शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हें मेरे आदमियों को डांटने का हक किसने दिया? अरे भाई, वो लोग काम के वक्त भंग पीकर उद्धम मचा रहे थे। वो लोग उद्धम नहीं मचा रहे थे, छुट्टी मना रहे थे, छुट्टी। और उन्हें छुट्टी मैंने दी थी। आई एम सॉरी, लेकिन अगर तुम मुझे पहले बता देता तो मैं फैक्ट्री को आधी शिफ्ट बंद कर देता, नुकसान नहीं होता। नुकसान मेरा होता है, फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, सिर्फ मैं और तुम नहीं। और इस बात को याद रखने की कोशिश करो कि हर नौकर की तरह तुम भी इस हवेली का नमक खा रहे हो, और बीजी की मेहरबानियां भी, तुम्हें इस हवेली का बेटा नहीं बना सकते श्रीमान अजय कुमार। आज एक बात अच्छी तरह समझ लो प्रताप, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे डरता नहीं, और बीजी को मैं पूछता हूं। और अगर बीजी कहती है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं, बड़ा भाई हूं। और जब तक वो चाहेंगी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के रहूंगा। बीजी कोई भगवान नहीं है कि किसी भी यतीम को मेरा बड़ा भाई बना दे, समझे? क्या कह रहे थे तुम, फिर तो कहो। मैं ये कह रहा था कि सड़क से उठाए हुए किसी ऐरे गेरे को ना अपना बड़ा भाई माना है और न मानूंगा। बीजी, ये तो छोड़ो मुझे, ये तो पागल है बीजी। ये इस वक्त गुस्से में है, जो मुंह में आ रहा बोल रहा, इसका कोई मतलब थोड़ी होता। इसका मतलब होता है अजय, इसका मतलब है, इसका मतलब वही होता है जो बीजी समझ रही है। तुम मेरे भाई नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। पूरे 50,000। हाय हाय, मैं बारी जाऊं? बारी बाद में जाओ, पहले वो नोट निकालो। हाँ, ये लो। अब एक बात बता लीला भाई, तुमने मेरे पिताजी का नाम क्यों लिया था, और ये क्यों कहा था कि हवेली वालों ने तुम्हारा ही घर ताक रखा है? ताका नहीं हुजूर, लूटा है। तुम्हारे पिताजी मेरी तुलसी को उठा ले गए थे। तुलसी कौन थी? तुलसी भी एक चंपा कली थी सरकार। फिर क्या हुआ? लड़की बहुत बेवकूफ थी सरकार, उनकी बातों में आ गई, और जब शादी से पहले उनके यहाँ बच्चा हो गया तो कुंवर जी ने आपकी माता जी से शादी कर ली। अच्छा, कहाँ है वो बच्चा? लौंडे को ये तो नहीं मालूम सरकार। कमाल करती है बीजी आप, अगर नौकर ने चोरी नहीं किया है तो क्या अजय या मैंने किया? प्रताप, तुम जानते हो हमारे नौकर चोर नहीं है। मैं क्या जानू? जी, वो 50,000 रुपए मैंने लिए थे। तुम्हारा मतलब अपने ही घर में चोरी की तुमने, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? एक जुआ खेला था बीजी, उसी में हार गया। प्रताप, तुम बाहर जाओ। पालने में मुझसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई शायद। तुम्हें इस घर में लाने से पहले मैंने तुम्हारी माँ की याद को वचन दिया था कि तुम्हें प्रताप से ज्यादा प्यार दूंगी, और प्रताप की कसम मैंने अपना वचन निभाया। लेकिन आज तुमने मुझे अपनी माँ के सामने झूठा बना दिया। मेरी जिंदगी भर की तपस्या भंग कर दी तुमने। मुझे 50,000 जाने का दुख नहीं अजय, तुम्हारे खो जाने का दुख है। जुए में रुपए नहीं आ रहे, मुझे हार गए, मुझे हार गए।
तुमने चोरी कबूल क्यों नहीं की? देख क्या रहे हो? देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। और क्या सोच रहे हो प्रताप? तुम जानते हो कि तुमने आज मुझे बीजी की नजरों से गिरा दिया। तुम मां के निगाहों से गिर नहीं सकते। इतना बता दो, तुम इस हवेली के क्या लगते हो कि मां तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है? मैंने तुम्हारी मां की याद को वचन दिया था कि मैं प्रताप में और तुम में कोई फर्क नहीं करूंगी। फर्क तो आपने जरूर किया बीजी। प्रताप से आपने मुझे बहुत ज्यादा चाहा। हाँ, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से भी चाहा और तुम्हारी मां की तरफ से भी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार उसकी मेहरबानियों का सूद है। कर्ज तो कभी अदा हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो गुनाहगारों की तरह इस अंधेरे में सर झुकाए बैठी थी। माँ से बेटे की बातें छुपानी नहीं चाहिए अजय। मेरी मानो, बीजी को तमाम बातें साफ साफ बता दो। किसी दिन ऐसी उलझन हो जाएगी तुम संभाल नहीं सकोगे। नहीं नहीं नहीं, बीजी को यह सुन के बहुत दुख होगा। मैं उनसे नहीं कह सकता। तो फिर मैं कह दूंगी। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी। गीता जी, भांग के पेड़ कहाँ हैं? पेड़? हाँ, ये पेड़ भांग के? हाँ, भांग के। बीन बजाने मैं आ गया। मुन्ना दो प्यादा जी, इस गुस्ताख को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अभी निकालता हूं, अभी निकाल दो। अरे, ये तो हमारे जनरल मैनेजर साहब है। आलम बना, ये आपने फैक्ट्री कब खोली? इनकी हालत तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपकी अकल को क्या हो गया? अकल? सोच रहा हूं आप कहां से चपक पड़े। आते ही हमारे मालिक बन बैठे। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ना तो ये आप जानती और ना हम जानते। आप कहना क्या चाहते हैं? सोच रहा हूं बीजी आप पर इतना उपकार क्यों करती है? हवेली पे आपका क्या अधिकार है? आप बता। मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि तुम्हें मेरे आदमियों को डांटने का हक किसने दिया? अरे भाई, वो लोग काम के वक्त भंग पीकर उधम मचा रहे थे। वो लोग उधम नहीं मचा रहे थे, छुट्टी मना रहे थे, छुट्टी। और उन्हें छुट्टी मैंने दी थी। आई एम सॉरी, लेकिन अगर तुम मुझे पहले बता देता तो मैं फैक्ट्री को आधी शिफ्ट बंद कर देता हूं। नुकसान नहीं होता। नुकसान? नुकसान मेरा होता है। फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, सिर्फ मैं और तुम नहीं। और इस बात को याद रखने की कोशिश करो कि हर नौकर की तरह तुम भी इस हवेली का नमक खा रहे हो और बीजी की मेहरबानियां भी तुम्हें
इस हवेली का बेटा नहीं बना सकते श्रीमान अजय कुमार। आज एक बात अच्छी तरह समझ लो प्रताप, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे डरता नहीं, और बीजी को मैं पूछता हूं, और अगर बीजी कहती है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं बड़ा भाई हूं, और जब तक वो चाहेंगी मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के रहूंगा। बीजी कोई भगवान नहीं है कि किसी भी यतीम को मेरा बड़ा भाई बना दे, समझे? क्या कह रहे थे तुम, फिर तो कहो। मैं ये कह रहा था कि सड़क से उठाए हुए किसी ऐरे गहरे को ना अपना बड़ा भाई माना है और न मानूंगा। बीजी ये तो छोड़ो मुझे, ये तो पागल है बीजी, ये इस वक्त गुस्से में है जो मुंह में आ रहा बोल रहा, इसका कोई मतलब थोड़ी होता। इसका मतलब होता है अजय, इसका मतलब है, इसका मतलब वही होता है जो बीजी समझ रही है, तुम मेरे भाई नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। छोड़ो मुझे, पागल हो, बीजी कितनी ऐसी बातें करते हो। हाँ, अब मैं ऐसी बातें करता रहूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक किसी को जबरदस्ती मेरा बड़ा भाई बनाया जाएगा और ये ना बताया जाए कि मेरी हैसियत क्या है, मैं कौन हूं। तुम सिर्फ अजय के छोटे भाई हो और कुछ नहीं। गलत कह रही हैं आप, मैं अपने मां बाप का एकलौता बेटा हूं, ना कोई मेरा बड़ा भाई है ना मैं किसी का छोटा भाई हूं। तेरी ये मजाल, मुझसे जबान लड़ाता है, निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। यहां ये कोई ना भूले, ये घर मेरे बाप का है। अरे भाई मिस्टर अजय कुमार सिंह, जरा हमें भी तो बताओ कि इस बेपते के लिफाफे में क्या खास बात है कि जिसे देखो डिलीवरी लिए बैठा है। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ खास नहीं है, अब हमें मिसाल के तौर पे ले लो, हमारा नाम है ठाकुर अजमेर सिंह, पिता का नाम है ठाकुर शमशेर सिंह, तो दादा का नाम भी बता दूं, डाक का पता पिछले 300 साल से एक ही चला रहा, और तुम खाली खुली नाम लिए घूम रहे हो और शहर में तुम मजा रखी है। ठाकुर अजमेर सिंह जी, आपका खानदान आला होगा लेकिन खुद आप एक निहायत घटिया किस्म के आदमी, और मैं आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। अरे भाई तुम्हें ताल्लुक रखने की जरूरत भी क्या है, तरकीब जरा हमें भी तो बता दो जिससे कि ऐसी खूबसूरत लड़की और वो लाल हवेली वाली ठकुराइन जैसी दौलतमंद बुढ़िया फंसाई जा सके। आइंदा अगर बीजी के बारे में कुछ कहा तो जान से मार डालूंगा। चलो सुब्रमण्यम सर, ये अजय का चक्कर क्या है? ये किसी को पता नहीं, ये कौन है, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। सुना है बीजी की किसी सहेली का बेटा है, मगर वो सहेली कौन थी हम तो उसके बारे में आज तक कुछ सुना ही नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं सर, गफला है। आखिर मेरा घर से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, कोई ना कोई भेद जरूर है। उस शहर का नाम क्या था जहां से बीजी तुम्हें बचपन में लाई थी? बिलासपुर। वहां क्यों नहीं चले जाते, सब पता चल जाएगा। कहिए, आज से कुछ 20-22 साल पहले इस घर में राजनाथ सिंह चौहान रहा करते थे, उन्हीं के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। राजनाथ सिंह चौहान? जी हाँ। इस घर में रहते थे? यहाँ? जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, 30 साल से तो मैं खुद इस मकान में रह रहा हूँ, और उससे पहले मेरे पिताजी। राजनाथ सिंह चौहान नाम का आदमी इस मोहल्ले में तो नहीं रहता, शहर का पता। मैं कौन हूँ बीजी? आप मुझी को
मुझसे कब तक छुपाई रखेंगे बीजी? क्या मैं एक कटी पतंग हूं जिसकी डोर का सिरा किसी के हाथ में नहीं, बस भटक रहा हूं? बिलासपुर के उस घर में कभी राजनाथ सिंह था ही नहीं। सच क्या है बीजी, सच क्या है? सच ये है कि जिंदगी की कुछ बातें इतनी खूबसूरत होती हैं जो वक्त से पहले नहीं बताई जा सकती। मैं आपसे दो बातें पूछूं, अजय को मुझसे ज्यादा पोजीशन क्यों दी गई है? कोई जवाब नहीं। उसे जबरदस्ती मेरा बड़ा भाई क्यों बनाया गया है? फिर कोई जवाब नहीं। तीसरे सवाल का जवाब है आपके पास, तुलसी कौन थी? तुलसी मैं नहीं जानती। मैं बताता हूं, तुलसी को पिताजी एक कोठी से उठा लाए थे और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। आखिरी सवाल, कहां है वो लड़का? तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। हरि ओम महापति न इंद्रो जरा बेटे को बुला लीजिए। जरा रुको प्रताप, अजय आओ मेरे साथ। यहां बैठो। मां, अजय यहां कैसे बैठ सकता है? अजय वहीं बैठेगा जहां मैं कहूंगी, और तुम भी वहीं बैठोगी जहां मैं चाहूंगी। बैठो अजय, शुरू कीजिए पंडित जी। ये बेटे का स्थान है रानी मां? बेटे को ही लाई हूं पंडित जी। क्या अजय के बारे में किसी को और कुछ पूछना है? ये सवाल सुनते सुनते मैं थक गई कि अजय कौन है। अजय मेरे स्वर्गवासी पति का बड़ा बेटा है। मैं नहीं मानता ये मेरे पिता का बड़ा बेटा है। क्या सबूत है आपके पास? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम अपने पिता के बेटे हो? तुम्हारा सबूत मैं हूं, क्योंकि मैं कह रही हूं कि तुम कुंवर जी के बेटे हो, इसलिए तुम कुंवर जी के बेटे हो। और चूंकि मैं कह रही हूं कि अजय उनका बेटा है, इसलिए अजय उनका बेटा है। आप मेरी मां हैं, इसलिए आप मेरे बारे में बतला सकती हैं, लेकिन आप अजय की मां नहीं है। बुलाइए उसकी मां को, गवाही दिलवाइए उससे, बताइए इस बिरादरी की उसकी मां कौन थी। इसकी मां की बात नहीं हो रही है, इसके पिता की बात हो रही है, और इसके पिता कुंवर जी हैं। मां तुम पागल हो गई हो? भरी बिरादरी में खुद अपने खानदान पर कीचड़ उछाल रही हो। कीचड़ उछाल नहीं रही, कीचड़ उछल रहा है उसे रोक रही हूं। इसलिए आज इस भरी बिरादरी के सामने यह ऐलान कर रही हूं कि अजय एक लावारिस नहीं बल्कि इस खानदान का बेटा है, मेरे पति का बड़ा बेटा। और मेरे मरने के बाद वो अपने स्वर्गीय पिता के आधी जायदाद का वारिस बनेगा। कुंवर जी की भी यही अंतिम इच्छा थी। आपको अपने पति की जायदाद बांटने का पूरा अधिकार है रानी जी, लेकिन खानदानी शराफत के बाजार में ये खोटा सिक्का नहीं चलेगा। खोटा सच्चा मैं जानती हूँ ठाकुर अजमेर सिंह, क्योंकि ये बाजार नहीं हमारा घर है। ये अब हमारा घर कहाँ रह गया है माँ? तुमने तो इसे अजय की मां तुलसी बाई का कोठा बना दिया। मां आप लोगों को नहीं बताएगी अजय की मां कौन थी?
मैं बताता हूं, अजय की मां तुलसीबाई नाम की एक वैश्या थी, वैश्या। और अगर एक वैश्या का बेटा पिताजी का श्राद्ध करे, मैं इस हमारी भाई के नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्यों? अगर कुंवर जी का श्राद्ध इसने किया तो इस हवेली से सारी बिरादरी का संबंध टूट जाएगा। टूट जाने दो, बिरादरी को खुश रखने के लिए मैं अजय का हक नहीं मार सकती। नहीं बीजी, नहीं। आज मैंने अपने आप को पा लिया है, पता तो चल गया है कि मैं कौन हूं, मेरे माँ बाप कौन थे। यही जानना मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मुझे अपने अंधेरे में लौट जाने दीजिए बीजी। पिताजी का श्राद्ध प्रताप को ही करने दीजिए। नहीं, अपने पिता का श्राद्ध तुम करोगे तो फिर हम लोग भी श्राद्ध में शरीक नहीं होंगे। हम भी नहीं। श्राद्ध में बिरादरी की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ बेटे की जरूरत होती है, और वो भी एक बेटे की। प्रताप अगर आप लोगों के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। नहीं बीजी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा अजय। और अगर तुमने इस हवेली को छोड़ने की बात सोची भी तो मैं जान दे दूंगी अजय। और प्रताप, अगर तुम इन लोगों के साथ चले गए तो तुम्हारे हिस्से की आधी जायदाद भी अजय को ही जाएगी। आइए ठाकुर साहब, आइए राणा जी, आइए कुमार साहब। अब इस घर में राजपूतों का कोई काम नहीं। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, प्लीज जी, गुस्से में बैठो अजय, अपने पिता का श्राद्ध करो। ओम पाया प्रथव्यां पयो कदीशो पयो दिव्यंतरिके पयो दापय त्वति प्रदश्वे तंतुमयम्।